गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लिक्विड स्टेट के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इससे पूर्व की क्लासों में अपने जो लिक्विड स्टेट है उनमें उपस्थित जो बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद दूसरी क्लास के अंदर अपन ने लिक्विड स्टेट के लिए एक आयरिंग ने थ्योरी दिया थी, उनकी संरचना से संबंधित जिसको आयरिंग थ्योरी पढ़ी थी। उसके पश्चात अपन ने लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था, लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। लिक्विड क्रिस्टल के टाइप्स जो है निवेटिक और स्मेक्टिक, वो टाइप्स पढ़े थे। आज की क्लास में अपन लिक्विड जो क्रिस्टल है उस लिक्विड क्रिस्टल की संरचना के लिए एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं स्वाम थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। इस स्वाम थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। लिक्विड क्रिस्टल जब किसी भी सॉलिड को अपन लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वह क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होने से पूर्व एक टर्बिड लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, और वही बीच वाली जो टर्बिड लिक्विड वाली स्थिति आती है उसी को क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो उस लिक्विड क्रिस्टल जो बीच वाली स्टेट बनती है उस बीच वाले स्टेट की संरचना किस प्रकार से होती है, उसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, उसको किस थ्योरी के समझाया जाता है, स्वाम थ्योरी के द्वारा समझाया जाता है। यहाँ पर स्वाम का जो मतलब है वो किससे मतलब है, ग्रुप से मतलब है। किससे मतलब है, ग्रुप। स्वाम किसको दर्शाता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को दर्शाता है। तो देखो लिक्विड क्रिस्टल और टर्बिडल लिक्विड एज्यूम हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम एज इमल्शन इन विच माइक्रो पार्टिकल आर प्रेजेंट इन सस्पेंशन इन पास्ट। मतलब पहले क्या माना जाता था, पहले ये माना जाता था कि जो लिक्विड क्रिस्टल ये है, ये लिक्विड क्रिस्टल किस प्रकार की संरचना होती है, इसमें हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। मीन्स इसके अंदर दो प्रकार की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती है, पूरा एक जैसा यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। इसका कंपोजिशन जो होता है वो कैसा है, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है, हेटेरोजीनस कह सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक की जगह लिख दो हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस सिस्टम। जिस तरह से इमल्शन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर, इमल्शन जो होता है उसके अंदर दो प्रकार की फेज होती है, एक होता है मीडियम और दूसरा जो होता है वो उसकी फेज। तो इसी प्रकार से इमल्शन के अंदर जिस प्रकार से दो डिफरेंट फेज होती है, उसी प्रकार से टर्बिड लिक्विड जो होता है उसके अंदर भी दो प्रकार की अवस्थाएं होती है। इसलिए इसको क्या माना गया, हेटेरोजीनस सिस्टम माना गया। लेकिन वर्तमान में इस थ्योरी को क्या किया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है। वर्तमान में ये जो है हेटेरोजीनस सिस्टम है इसको नहीं माना है। फर्स्ट लेहमान एक वैज्ञानिक कौन था, लेहमान, उस लेहमान ने इस थ्योरी के बारे में बताया कि टर्बिड लिक्विड आर होमोजीनस सिस्टम। जो टर्बिड लिक्विड होती है वो टर्बिड लिक्विड कैसी है, होमोजीनस सिस्टम होता है। मतलब इसका कंपोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, एक समान कंपोजिशन होता है। एंड टर्बिडिटी इज एन ऑप्टिकल इफेक्ट, और जो टर्बिडिटी दिखाई देती है वो क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश का जो प्रभाव पड़ता है उस प्रकाश के प्रभाव के कारण जो टर्बिडिटी है वो टर्बिडिटी दिखाई देती है। According to this theory, mesomorphic behavior, turbidity is shown by the molecules which have long chain. अब देखो, turbidity किसके द्वारा
शो की जाती है, सभी लिक्विड के द्वारा टर्बिडिटी शो नहीं की जाती है। उन लिक्विड के द्वारा टर्बिडिटी शो की जाती है जिन लिक्विड के अंदर लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है, जिसमें लंबी श्रृंखलाएं होती है, उस लंबी श्रृंखलाओं युक्त यौगिकों के अंदर टर्बिडिटी पाई जाती है। टर्बिडिटी लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों में क्यों पाई जाती है, उसका कारण क्या होता है कि जैसे कि लंबी श्रृंखलाएं मान ली, ये सपोज कोई भी यौगिक ले लेते हैं, ये इसमें ये लंबी श्रृंखला है, जब इसमें लंबी श्रृंखला होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर फ्री रोटेशन जो है, मुक्त घूर्णन, वो फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है, मुक्त घूर्णन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, उसके बीच में रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उसमें फ्री रोटेशन नहीं होगा, और फ्री रोटेशन नहीं होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। तो क्या टर्बिडिटी शो बाय द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव लॉन्ग चेन, जिसमें लंबी श्रृंखला होती है उसमें होती है। फ्री रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड इन दिस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लॉन्ग चेन, इस लॉन्ग चेन के प्रेजेंट के कारण इसके अंदर फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, और फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होने के कारण इसके जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अरेंज इन पैरेलल स्ट्रक्चर, इसमें अरेंज हो जाते हैं एक पैरेलल संरचना में। जैसे कि इस संरचना के अंदर देखो, ये इतने जो पार्टिकल है इन ये सभी एक पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर है, ये जो पार्टिकल है इस ये आपस में एक पैरेलल संरचना बना रखी है, ये जो पार्टिकल है ये एक पैरेलल संरचना में उपस्थित है, ये पार्टिकल अलग प्रकार की एक पैरेलल संरचना बना रहे, इस पार्टिकल की पैरेलल संरचना है, ये इस प्रकार से मैं जितने भी इस गोले के अंदर बना रहा, इन सभी के अलग अलग प्रकार के पैरेलल स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से जो पार्टिकल है वो पार्टिकल पैरेलल एक संरचना में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और इसी पैरेलल जो ये संरचना बनती है, इस संरचना को क्या कहते हैं, श्वान कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, इन्हें वन श्वान। किसी भी एक श्वान की अगर बात करें, जैसे कि सपोज इस श्वान की अगर बात करते हैं, तो इस श्वान के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सब एक के ऊपर एक ये इस तरह से लाइनें पैरेलल अवस्था में जुड़े हुए हैं, एक समांतर श्रेणी के अंदर है। अगर इसकी बात करते हैं तो इस श्वान के अंदर सभी पार्टिकल जो है ये इस प्रकार से एक पैरेलल लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर सभी पार्टिकल जो है ये इस प्रकार से एक पैरेलल संरचना के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जितने भी ये श्वान होते हैं, प्रत्येक श्वान के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं वो समस्त पार्टिकल कैसे होते हैं, पैरेलल क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक श्वान, जैसे कि ये एक श्वान है, ये अलग श्वान है, अगर इसकी और इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें पैरेलल क्रम ऐसा है, जबकि इसमें पैरेलल क्रम कैसा है, ऐसा है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक श्वान के पार्टिकल और दूसरे श्वान के पार्टिकल जो दोनों है वो पैरेलल हो, मतलब दूसरे स्वांग की बात कर रहे थे तो वो कैसे हो सकते हैं, उससे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक ही स्वांग के अंदर जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो सब कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इन्हें वन स्वांग ऑल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ए पैरेलल स्ट्रक्चर, एक ही स्वांग के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सब कैसी संरचना का फॉर्मेशन करते हैं, पैरेलल संरचना का फॉर्म करते हैं, बट दे आर नॉट पैरेलल टू अदर स्वांग। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे स्वांग के साथ कैसी स्थिति हो, पैरेलल स्थिति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये इस प्रकार से फिर इच स्ट्रॉन्ग ऑफ मॉलिक्यूल्स आर क्रिस्टल, प्रत्येक जो स्ट्रॉन्ग है इस स्ट्रॉन्ग के अंदर जो उपस्थित मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल्स को क्या माना गया है, एक क्रिस्टल माना गया है, और इस ये जो पूरा लिक्विड क्रिस्टल है, इस पूरे लिक्विड क्रिस्टल का फॉर्मेशन इन छोटे छोटे क्रिस्टलों के मिलने से होता है। ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल है, ये छोटे छोटे क्रिस्टल मिलते हैं और मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, इस पूरे लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इच स्वांग ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ए क्रिस्टल इन विच पैरेलल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, मेनी स्वांग प्रेजेंट इन ए लिक्विड क्रिस्टल, पूरे लिक्विड क्रिस्टल के अंदर इस प्रकार के छोटे छोटे बहुत सारे स्वांग उपस्थित होते हैं। फिर इच स्वांग इज सीन एज परमिएबल लिक्विड क्रिस्टल इन माइक्रोस्केप, अगर इस
स्वाम को, अगर इस लिक्विड क्रिस्टल को अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से इस प्रकार की समानांतर जो संरचना है वो दिखाई देती है। जब इसको इससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से अपने को अलग अलग यहाँ पर पार्टिकल का क्रम ऐसा दिखेगा, कहीं पर ऐसा दिखेगा, कहीं पर ऐसा दिखेगा। इस प्रकार से ये स्वाम है, ये स्वाम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसके अंदर। और द परमिटिविटी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल शो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो, आपने इस लिक्विड क्रिस्टल को भी कैसा माना है, एक महीन कांच के दो टुकड़ों के समान माना है। ये जैसे कि ये कांच है और इस कांच को पीस लेते हैं और पीस के अपन क्या करते हैं, बारीक छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। जब इसके अंदर बारीक छोटे छोटे टुकड़े बनाओगे तो और इसके ऊपर जब लाइट गिरेगी तो लाइट का क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगी। ये लाइट जो है कुछ पार्टिकल ये इस प्रकार से लाइट जो है वो लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है। ये लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है, जिसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकीर्णन। इस प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण इस प्रकार की जो स्थिति है वो इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंट स्टॉर्म है, इस डिफरेंट स्टॉर्म के अंदर जो पोजीशन दिखाई देती है उसका कारण क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। अब दूसरा क्या है, जैसे कि सपोज आपने ये भी देखा होगा कि ये एक है, ये यहाँ पर जो है वो उस पार्टिकल की पोजीशन अलग है, ये इस प्रकार से पार्टिकल है और यहाँ पर जो पार्टिकल है वो सपोज इस प्रकार से है। अब लाइट यहाँ से आती है, ये यहाँ से टकराएगी तो ये इस प्रकार से जाएगी। कोई पार्टिकल सपोज यहाँ से टकराएगा लाइट की किरण तो वो ये इस प्रकार से जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो पत्ते हैं इनकी जो बाउंड्री है, इसकी एक स्वाम, ये एक स्वाम यहाँ खत्म हुआ, दूसरा स्वाम स्टार्ट हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा स्टार्ट हुआ, तीसरा खत्म हुआ, चौथा स्टार्ट हुआ। तो एक स्वाम से दूसरे स्वाम के अंदर जो प्रकाश जाता है इस बाउंड्री के अंदर क्या होता है, स्कैटरिंग होती है। और इसी स्कैटरिंग के कारण इस प्रकार की जो संरचना है वो संरचना अपने को दिखाई देती है। अगर क्या करते हैं, when we increase the temperature, then the kinetic energy of the molecules increase and move here and there, so parallel structure is destroyed. अगर तापमान बढ़ाते हैं, अगर ये जो है इसका तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है जो किसके अंदर प्रेजेंट है, एक स्वाम के अंदर प्रेजेंट है, ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसकी गति बढ़ेगी, पार्टिकल जो है वो फास्ट मूव करेंगे और फास्ट मूव करने के कारण धीरे धीरे ये जो स्वाम है, ये स्वाम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्वाम नष्ट हो जाते हैं। और स्वाम नष्ट होने की वजह से ये इस प्रकार से कैसा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है, क्लियर सॉल्यूशन जो है, क्लियर लिक्विड है, वो क्लियर लिक्विड प्राप्त हो जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई टर्बिडिटी दिखाई नहीं देती है। तो तापमान बढ़ाने से ये स्वाम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और स्वाम नष्ट होने के कारण पूरा ही लिक्विड कैसा दिखाई देगा, एक क्लियर लिक्विड के रूप में दिखाई देता है, एक स्वच्छ लिक्विड के रूप में दिखाई देता है। और वो पूर्ण रूप से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो जो सॉलिड है वो पहले किसमें कन्वर्ट हो जाता, टर्बिड लिक्विड में, और वो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी किसने बताई है, इस लेहमान ने बताई है। किसने, लेहमान ने बताई है, जिसको क्या कहते हैं, श्याम थ्योरी कहते हैं। और ये थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में हर वर्ष इससे संबंधित भी प्रश्न आता है। एक तो आयरिंग थ्योरी और दूसरी श्याम थ्योरी, इस पे अपने को राइट शॉर्ट नोट्स लिखने से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। थैंक यू।